पहले चरण में आगामी 19 अप्रैल को होने वाले नवादा लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले की पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बीएसएफ अर्धसैनिक बलों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का मकसद मतदाताओं में विश्वास जगाना और उन्हें भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। दरअसल फ्लैग मार्च डीएमएसपी के नेतृत्व में नवादा शहर के प्रजातंत्र चौक समाहरणालय से होकर प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बल और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में भाग लें। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है। नवादा में होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण कराने की जिम्मेवारी बीएसएफ की कंपनी को मिली है। इसके अलावा क्यूआरटी दंगा निरोधक दस्ता को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में भाग लें। यदि उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े तो वे तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें। साथ ही उन्होंने असामाजिक तत्वों को साफ आगाह किया है कि अगर चुनाव में किसी तरह की गलत मंशा है तो संभल जाए, वरना पुलिस सख्ती से कदम उठाएगी। नवादा डीएम प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। हमने जिले में बनाए गए मतदान केंद्रों और विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे लोगों से अपील है कि वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने मतदान से संबंधित सारी तैयारी पूरी कर ली है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए व्यापक व्यवस्था भी की गई है। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। सुरक्षा रहेगी सर? सुरक्षा जो आगामी पर्व और त्यौहार है उसको लेकर भी कड़ी सुरक्षा रखी जाएगी और जो चुनाव है उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बल आना शुरू हो गया है हमारे यहाँ, पहले से भी प्रतिनियुक्त थी, अब एडिशनल फोर्स भी आ रहा है। हम लोगों का जो फोर्स की विवरणी सब तैयार हो गई है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि चुनाव एकदम शांतिपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ जो आगामी त्यौहार है उसके लिए भी पर्याप्त संख्या हमारे पास बल मौजूद है, सभी को शांतिपूर्वक। कितनी बल बाहर से मंगाया गया है? करीब हम लोग के पास अभी 6000 के आसपास जो है वो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आई है और करीब 35 कंपनियां जो हैं अर्धसैनिक बल की आई हैं। सफिशेंट संख्या में है ये, इनके आवासन की भी व्यवस्था कर ली गई है और इनसे एरिया डॉमिनेट कर रहा है। रूटों पे आने वाले लोगों के लिए क्या अपील है? मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये जो त्यौहार है ये डेमोक्रेसी का त्यौहार है और इसी से उनका भविष्य भी जुड़ा हुआ है। लोगों से अपील करूंगा कि वो भयमुक्त वातावरण में आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि लोकतंत्र का जो महापर्व है, आम चुनाव हमारे जिला में पहले चरण में किया जा रहा है और मतदान की तिथि जो है 19 अप्रैल। तो सर्वप्रथम हमारे जितने भी वोटर्स हैं, हमारे जितने भी प्रिंट एवं प्रेस मीडिया के जो बंधु हैं, उनके माध्यम से हमारे वोटर्स को मैं अपील करना चाहूँगा कि 19 तारीख को प्रथम चरण में हमारे जिला में मतदान होने वाला है, क्योंकि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी है। अब रही बात आज के फ्लैग मार्च का, देखिए चुनाव से दृष्टिकोण से हम लोगों के तरफ से जो भी कड़ा सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, इसी उपलक्ष्य में आज एक फ्लैग मार्च आयोजित किया जा रहा है जिला में। इसके साथ साथ आगामी जो पर्व है उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। सवाल लेते, जो आपने वोटर की बात कही, कोई अगर बूथ पे आके किसी तरह का अफवाह फैलाते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है IPC धारा के अंतर्गत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत भी हम लोग करेंगे।